वहाँ पे दिख भी नहीं रहा था ना सीसी टीवी ऐसा। फ्रेंड्स आज हम सुबह सुबह से देखिए कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं जा रही थी रास्ते में, देखिए बस स्टॉप पड़ गया, कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं देखिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा आप लोग को भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं। फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग नदी घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह, देखिए ये अशोक लाट चौराहा है हमारे यहाँ बांदा का, और मेरे घर से नदी तक बहुत सारे सरकारी ऑफिस हो गए और फेमस चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती चल रही थी। और ये देखिए संकट मोचन मंदिर आ चुका है, मैं यहीं पर आती हूँ मंगलवार को दर्शन करने के लिए, बस संकट मोचन मंदिर से थोड़ा आगे जाकर ही नदी है। और फ्रेंड पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा घर रोड के किनारे है तो उसके लिए सॉरी। और देखिए नदी हम लोग पहुंच चुके हैं, और नदी का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए ये लिखा है ना केन नदी है ये, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर सुबह सुबह से, रात भर से लाइट नहीं रही हमारे यहाँ, इस समय यही रोना है लाइट का है दिन का, तो सो नहीं पाते हैं ठीक से, मुझे नींद नहीं आती, बाकी सब लोग सो लेते हैं बाहर पर मुझे नींद नहीं आती है, तो सुबह सुबह से ये लोग सो कर उठ गए थे, कहा चलो चलते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ अच्छा लगेगा, तो बस मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा आप सबको भी दिखाते हैं। और आप हमारे कभी देखिए कितना खूबसूरत है ना, घर बने हुए यहाँ पर लोग रहते हैं बहुत। यही नदी आगे जाकर नर्मदा नदी में शामिल हो जाती है और बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, देखिए ये है बम्बेश्वर पहाड़, ये देखिए और ये महेश्वरी माता का मंदिर दिखाया था ना मैंने आप लोग को उस दिन अपनी छत से, ये है ये वो मंदिर है। और हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और देखिए आज हम सुबह सुबह नदी घूमने आए हैं, तो और मैं और बाबू आया है, बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, और बाबू के पापा भी आए हैं, गुड मॉर्निंग गाइस। और देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पे, और हम लोग हैशटैग दुकान हो गया बाबू को, और देखिए हम लोग आए हैं और सूरज भगवान निकल आए हैं, कहाँ दिख रहे हैं इसमें कैमरे में नहीं आ रही है, देखिए हम लोग आए हैं और सूरज भगवान निकले हैं, और नदी का भी बहुत खूबसूरत, हमने कहा आप लोग को भी दिखाते हैं, बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे बांदा के व्यूअर्स होंगे वो तो सब जानते ही होंगे कि नदी है ये, और ये MP से आती है मेरी ससुराल पन्ना के साइड से, और यहाँ पर उसका ये छोटा सा भाग है, ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत जगह पानी देती है, बहुत लोगों की प्यास बुझाती है नदी, बहुत बड़ी नदी है ये, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए सुबह से ही रोड चलने लगी है। सिवान घूमने आया है, सिवान कैसा लग रहा है तुमको, बहुत अच्छा, सिवान को तो रोज ही यहाँ लेकर आओ, सिवान कभी थकते ही नहीं है, रोज मन करता है यहाँ आने का,
शिवान बताओ कैसा लगता है तुमको? रोज यहाँ आ सकते हो ना तुम? शिवान का स्कूल भी यहीं पर है। नदी घूमकर घर आ चुके हैं हम लोग और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी। लाइट रहे और चाहे ना रहे, काम तो रुकेंगे नहीं, काम तो होंगे वैसे ही, इसलिए इनका झाड़ू पोछा कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं। लाइट नहीं आ रही थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, सुबह का टाइम, इस समय पर इतनी गर्मी हो रही है कि सुबह से ही ऐसा लगता है कि जान जा रही है बिल्कुल, बगैर कूलर पंखा के तो रह ही नहीं सकते हैं। और पंखा कूलर में भी चैन नहीं है, इस समय पे इतनी बेतहाशा गर्मी लग रही है कि रात को भी सुकून से नींद आती नहीं है। लेट नाइट हो जाता है, जब एकदम कमरा ठंडा होता है तब नींद आती है, जाकर सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, ऐसा मन नहीं करता गर्मी में करने का। मैं नहा धो चुकी थी और पार्वती ने देखिए दलिया बना लिया नाश्ते में, तो वो नहा चुकी थी, उसने दलिया बना लिया, तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स आइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए दलिया। सुबह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, नदी गई थी उसके बाद आए हैं, तो नहाए धोए हैं और झाड़ू पोछा और ये सब कुछ किया था, उसके बाद सारे जो घर के काम होते हैं उसके बाद नहाया धोया। नाश्ता करने के बाद मैं लेट गई थी कि लाइट आ गई थी, थोड़ा मैंने कहा थोड़ी देर सो लेते हैं, तो थोड़ी देर सो गए थे, 1 घंटे ही सोई हूँ, फिर लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, पूरा दिन यही नाटक रहा है लाइट का, तो सुकून से नींद भी नहीं आई है। और मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी ज़्यादा, फिर बैटरी चार्ज हुई तो एडिटिंग करनी थी उसमें लग गई थी मैं, तो एडिटिंग करा, अपलोड किया ब्लॉग को, उसके बाद फ्री हो चुकी हूँ, सब कुछ करके बाहर के काम अब हो चुके हैं, तो बस अब मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर डिनर बनाऊँगी। और डिनर में आज मैं सिंपल पनीर बनाने जा रही हूँ, बगैर लहसुन प्याज का, बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, ज़्यादा तेल मसाले नहीं यूज करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा ही पनीर है, 100 ग्राम होगा, लगभग दूध रखा हुआ था तो मैंने उसी का फाड़ लिया है, वही बना लूँगी। उतने में भी हम लोग को हो जाएगा क्योंकि हम 3 ही खाते हैं, हस्बैंड को नहीं पसंद है पनीर, वो छोला राजमा तो खा लेते हैं बट पनीर नहीं खाते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, तो मैंने कहा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ सुबह से, क्योंकि कोई बात भी नहीं किया है, ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया था, तो बस आप जा रहे हैं किचन में, चलिए आप लोग भी चलिए, रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग भी देखिए, चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स किचन में आ चुकी हूँ मैं और मैं बस अब डिनर बनाने जा रही हूँ, तो डिनर के लिए पनीर फाड़ लिया था मैंने, बर्थडे वाले दिन दूध ज़्यादा ले लिया था तो उतना यूज नहीं हो पाया था, वो दूध बच गया था, तो मैंने कहा उसी का पनीर फाड़ लेते हैं। और इस समय गर्मियों के समय हम लोग नहीं बना रहे हैं पनीर राजमा छोला वगैरह, बट बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा दूध रखा था तो मैंने कहा इसी का पनीर बना लेते हैं, तो वो फ्राई कहीं कर खाता है, बट गर्मी अभी ज़्यादा है तो मैं उसको ज़्यादा नहीं खाने देती हूँ सब कुछ कुछ भी, तो बस बनाएंगे हम। तो पनीर आप लोग सोच रहे होंगे बहुत थोड़ा सा है क्या होगा, तो फ्रेंड थोड़ा ही पनीर, इतना ही पनीर हम लोगों ने बनाया था, इतने में भी हम लोग खा लिए थे और बच भी गया था, कोई ज़्यादा नहीं खाता है हमारे यहाँ। तो देखिए मैंने पनीर फ्राई कर लिया है और मैंने बेसन भून लिया था क्योंकि मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाए इसके लिए। फ्रेंड गलती से बेसन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप लोग बनाए तो बेसन कम लीजिएगा। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तड़के में मैंने तेल डाला सरसों का और उसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग और 1 तेज़पत्ता डाला, इसी का तड़का दिया है। बस इसे मसाले डालूँगी, धनिया मिर्चा हल्दी नमक सिंपल मसाले, और इसी में मैं बेसन डाल दूँगी थोड़ा सा, और जब मसाले पानी डाल दूँगी और जब मसाले भून जाएंगे अच्छे से, तेल छोड़ देंगे, फिर मैं इसमें टमाटर डालकर भून लूँगी, और जब टमाटर भी तेल छोड़ देगा तो बस उसके बाद मैं पनीर डालूँगी। मसाला भून चुका है और मैंने नमक डालना भूल गई थी इसमें, तो मैंने नमक बाद में डाल दिया है, और बस अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी, अच्छे से भून गया है मसाला क्योंकि, और पनीर डालने के बाद मैं बस थोड़ा सा इसको अलट पलट लूँगी, देखिए पनीर डाल दिया है,
अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले थोड़े से ऑब्जर्व हो जाएं। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी ग्रेवी के लिए। देखिए बहुत थोड़ा सा दिख रहा है ना, पर बनने के बाद ठीक ठाक सा हो गया था। देखिए मैंने पानी डाल दिया है, जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए आप लोग। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए थी तो हमने थोड़ा ही पानी डाला है। इतने में भी अच्छा बन गया था, ठीक बढ़िया बन गया था, हम लोग को खाने के लिए हो गया था और बच भी गया था। तो बस पनीर बन चुका है फ्रेंड्स। और ये मैं एक और सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं पनीर, तो मैं आलू टमाटर और प्याज की एक सूखी भुजिया टाइप की बना रही थी और आप लोग के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस चलिए बना लेती हूँ, आप लोग देखें। सब्जियाँ बन चुकी हैं फ्रेंड्स, देखिए देखने में तो ठीक ही लग रही हैं, खाने में भी अच्छी ही थी, बहुत अच्छी नहीं थी पर अच्छी थी। और रोटियां बना लूँगी, बस यही हमारा सिंपल से डिनर है फ्रेंड्स आज का। फ्रेंड हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और सब काम भी हो गए हैं और सोने जा रहे हैं। इनके वीडियो कैद नहीं किया तो चलो वीडियो कैद कर लेते हैं पहले, फिर सोते हैं। कल से लाइट नहीं रही है ठीक से तो सो ही नहीं पाए हैं ज़्यादा, एक एक घंटे करके ऐसे ही सोए, एक घंटे दोपहर में एक घंटे रात को ऐसे सोए हैं। तो बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान भी फील हो रही है। बस हम सोने जा रहे थे, हमने कहा पहले वीडियो कैद कर लेते हैं फिर सोते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और मैं अपनी मैप को आल पर सेट कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग मुझे वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।